चलिए सवाल नंबर 414 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो, देन एक्स वाई जेड बटा एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। अब यहां से देखिए एक्स प्लस वाई बराबर क्या कहेंगे, बोलिए खुद से आप लोग, माइनस जेड। वाई प्लस जेड बराबर क्या कहेंगे, माइनस एक्स। और जेड प्लस एक्स बराबर क्या कहेंगे, माइनस वाई। अब देखिए बस यही चीज तो पुट करना है इसमें, एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स और माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, एक्स वाई जेड ऊपर भी नीचे माइनस एक्स वाई जेड खत्म हो जाएगा। उत्तर कितना आ गया, माइनस वन। कितना बेहतरीन सवाल था, देख लीजिए बहुत आसान सा सवाल था, बस इक्वेशन को देखना है और दिए गए कंडीशन को कैसे पुट करना है, दिमाग लगाना है इसमें। चलिए देखिए सवाल नंबर 415, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो, देन फाइंड आउट करना है एक्स बटा वाई प्लस जेड प्लस वाई बटा एक्स प्लस जेड प्लस जेड बटा एक्स प्लस वाई। अब ध्यान दीजिए यहाँ से एक्स प्लस वाई बराबर क्या कहेंगे, माइनस जेड। वाई प्लस जेड बराबर माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स बराबर माइनस वाई। बस ध्यान दीजिए पुट करना, वाई प्लस जेड बराबर माइनस एक्स, तो वाई बटा यहाँ हो जाएगा माइनस वाई और जेड बटा हो जाएगा माइनस जेड। माइनस वन प्लस माइनस वन प्लस माइनस वन, कितना सब मिला करके हो जाएगा उत्तर, माइनस थ्री। बहुत बेहतरीन सवाल था, एकदम शॉर्ट, इससे ज्यादा फास्ट मेथड नहीं होगा बनाने का। चलिए सवाल नंबर 416 कह रहा है ए बराबर इतना बी बराबर इतना है, तो ए इंटू बी बटा ए प्लस बी ज्ञात करना है। इसको हम कह सकते हैं वन बटा ए प्लस बी बटा ए इंटू बी, ऊपर से ले आए नीचे, इसको वन बटा बी प्लस वन बटा ए इसको कह सकते हैं, अलग अलग तोड़ने के पश्चात। अब देखिए वन बटा बी, अगर बी का मान वाई बटा एक्स माइनस वाई है तो वन बटा बी का मान एक्स माइनस वाई बटा वाई हो जाएगा। ए का मान एक्स बटा एक्स प्लस वाई है तो वन बटा ए का मान एक्स प्लस वाई बटा एक्स हो जाएगा। एक बटा एक्स बटा वाई ये कट जाएगा, देखिए वाई बटा माइनस वन हो जाएगा ना यहाँ पे, प्लस यहाँ वन प्लस वाई बटा एक्स हो जाएगा यहाँ पे। हाँ। और ये आपका यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, अब यहाँ एक्स इंटू वाई, ये तो ऊपर जाएगा एक्स इंटू वाई, ये एक्स यहाँ आएगा वाई यहाँ आएगा, एक्स इंटू वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आपका उत्तर होगा। बहुत बेहतरीन सवाल था, नोट कर लीजिए इसको। चलिए सवाल नंबर 417 कह रहा है ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ए बटा एफ बराबर तीन, तो हमें इसको पता करना। देखिए मतलब ए ए ए बी का जो रेशियो वही सी डी का वही है, तीन को तीन बटा एक हम कह सकते हैं, तीन को तीन बटा एक, मतलब ए का मान भी तीन, सी का मान भी तीन, बी का मान भी तीन और बी डी का, इसका मतलब है ए सी ई सब आपस में बराबर है और बी डी एफ ये बराबर है। तो आप खुद सोचिए अगर दो कॉमन कर लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बटा हो जाएगा, टू कॉमन यहाँ भी करेंगे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये ना होगा दो दो खत्म। असल ए बराबर है तो थ्री ए स्क्वायर कर दे उसको, इसको थ्री बी स्क्वायर, ये भी खत्म आपका ए बटा बी का होल स्क्वायर, और ए बटा बी का मान कितना है तीन, तो तीन का स्क्वायर। उत्तर कितना हो गया आपका, आपका उत्तर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं था, आसानी से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 418 कह रहा है एक्स तथा वन बाय एक्स का औसत कितना है, एम है, तो एक्स प्लस वन बाय एक्स का मान कितना हो जाएगा, टू एम। फिर कह रहा है सवाल में तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का औसत क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का मान होगा एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, और नीचे भी क्या रहेगा टू, एक्स प्लस वन बाय एक्स का मान टू है तो टू एम का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस टू बटा टू, तो फोर एम स्क्वायर, और यहाँ दो कॉमन कर लेंगे दो खत्म, यहाँ बचेगा टू एम स्क्वायर माइनस वन, यही आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। बेहतरीन सवाल था, ये भी नोट कर लीजिए। चलिए सवाल नंबर 419 क्या कह रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब, ये हो गया आपका क्या, इस पूरे को ए मानते थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। हम जानते हैं अगर हम इसको एक्स के रूप में समझिए, अगर ये एक्स है ये वाई है और ये जेड है, अगर हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ देखिए सब आपस में क्या होगा
खत्म होकर जीरो मिल गया, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, देयरफॉर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या पड़े हैं, थ्री ए बी सी, जहाँ एक्स वाई जेड माने थे, मतलब थ्री इंटू एस किसको माने हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको किसको माने हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माने हैं, और यहाँ एस किसको माने हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यू प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यू प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यू, यही आपका क्या हो गया उत्तर हो गया, बस एक कंडीशन याद रहेगा, सवाल खत्म हो गया।